माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा अंतिम दौर में चल रही है। कसरावत में भी परीक्षा 3 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें सीएम राइज विद्यालय, शासकीय कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल और सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय शामिल है। आज 10वीं बोर्ड की अंग्रेजी विषय का पेपर था। परीक्षा के उपरांत कुछ छात्र बहुत प्रसन्न तो कोई उदास नजर आ रहे थे। खरगोन जिले के कुछ परीक्षा केंद्रों पर नकल के समाचारों के बाद प्रशासन काफी सख्त और चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। उसी को लेकर आज इंदौर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस से एक दल द्वारा कसरावत तहसील के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। दल में सहायक संचालक नीतू डोंगरे, सहायक संचालक अनिता श्रीवास्तव एवं पवन गोयल शामिल थे। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। कैसा रहा पेपर आज का? बोलो। मैडम, आज 10वीं और 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में एक जांच दल विशेष रूप से आया, तो क्या कुछ जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं? हम जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस इंदौर से आज खरगोन जिले के कसरावत ब्लॉक के निरीक्षण के हमारी टीम आई हुई है। इंदौर से मैं सहायक संचालक, एक हमारे अनिता श्रीवास्तव सहायक संचालक, हमारे साथी पवन नोयल हैं। हमने खलगाट के मगरखेड़ी स्कूल और बाल समूह स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा केंद्र में अंग्रेजी विषय के आज 10वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न पत्र था उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में इसके पश्चात हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल कसरावत का और उत्कर्ष कसरावत और कन्या कसरावत का भी निरीक्षण किया। इसमें निरीक्षण के दौरान कहीं भी किसी अप्रिय स्थिति नहीं पाई गई है। परीक्षा व्यवस्थित संचालित पाई गई है। बच्चे भी कुछ जगह कुछ बच्चे अनुपस्थित रहे हैं, लेकिन 100% करीब करीब बच्चे उपस्थित रहे हैं। हमारे स्कूलों में सारी व्यवस्थाओं का देखा गया, जायजा लिया गया, तो कोई भी किसी प्रकार के नकल पकड़ नहीं बनाया गया है और बच्चे सुव्यवस्थित परीक्षा देते हुए पाए गए हैं। केंद्राध्यक्ष द्वारा और परीक्षकों द्वारा भी अपनी ड्यूटी व्यवस्थित तरीके से करते हुए पाई गई है। निश्चित ही कसरावत का इतिहास पहले भी काफी अच्छा, स्टूडेंट भी काफी गए हैं। कुछ शिकायतें जरूर मिल रही थी खरगोन जिले के दूरस्थ इलाकों से, तो उसको लेकर कोई कार्रवाई की गई थी? दुरुस्त में परीक्षा संबंधी हाँ, अभी कल साहब ने आपने देखा है कि साहब ने भी यहाँ पर बड़ा दल एक गिरोह पकड़ा था, जिसमें कई हमारे 17-18 लगभग टीचर सस्पेंड हुए हैं। ऐसे हमारे अभी बड़वा में भी कुछ हमारा दल संभाग का आया था, उन्हें भी मतलब वहाँ पर कुछ गिरोह पकड़ बनाए गए थे। और ऐसी स्थिति यहाँ अभी कसरावत या इस ब्लॉक में नहीं पाई गई है। बाकी जगह भी और जो एग्जाम्स हमारे बाकी हैं उसमें भी हमारे संभागीय कार्यालय की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और हम लोग लगातार निरीक्षण कर ही रहे हैं। हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट हैं संभाग में, तो सभी जिलों में हमें देखना होता है, इसलिए हमारी टीम अलग अलग जिलों में अलग अलग निरीक्षण करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।